किसका कटेगा किसका नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है। इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं तो उनके एक प्रसाद होता है, वो जब चाहे तो उसको ले सकते हैं। ये है प्रेम साय सिंह टेकाम। अभी तक छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अब पूर्व मंत्री हैं, क्योंकि उनसे इस्तीफा ले लिया गया है ताकि चुनाव से 4 महीने पहले भूपेश कैबिनेट में फेरबदल किया जा सके। हालांकि टेकाम इस्तीफा देकर जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने मंत्री पद को सीएम साहब का प्रसाद बता दिया और कहा इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया जाता है। मुझसे कहा गया था कि सीएम भूपेश बघेल आपका इस्तीफा चाहते हैं, जिसके बाद मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा खुद सुन लीजिए। मंत्रिमंडल किसी को रखना और किसी को नहीं रखना ये मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, और मुख्यमंत्री के वो तो पूरा मुख्यमंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल में किसको जगह कहाँ देना है तो उनके एक प्रसाद होता है, वो जब चाहे तो उसको ले सकते हैं। मुझे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। आपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया, आपने इस्तीफा दे दिया है? आपने इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं। आपने भेजा इस्तीफा करके? तो कैसे इस्तीफा देते हैं आप, क्या प्रक्रिया है? भेजे होंगे, कुछ भेजे होंगे, जो प्रक्रिया है उसका पालन आपने किया है? नहीं, जो प्रक्रिया होता है उसका पालन होता है उसका। नहीं, इस्तीफा का प्रक्रिया का पूरा पालन कर पूरा पालन किया। मंत्री पद तो गया ही, अब सवाल आया विधानसभा चुनाव में टिकट कटने का। मंत्री पद जाने के बाद रिपोर्टर ने नेताजी से पूछ लिया कि खबरें हैं कि आपका टिकट भी कट सकता है, इस पर टेकाम ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। कोई अहम जिम्मेदारी मिलने की भी आसार है? अब चुनाव में काम करना है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसमें काम करना है। खबरें ये भी हैं कि आपका टिकट भी कट सकता है, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे? अब ये किसका कटेगा किसका नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन सबको पार्टी हित में काम करना है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले 15 दिन में 3 बड़े उलटफेर हो चुके हैं। पहला, टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया, फिर मोहन मरकाम को हटाकर लोकसभा सांसद दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और अब प्रेम साय सिंह टेकाम को हटाकर मोहन मरकाम को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा चुका है। चुनाव से पहले कांग्रेस की उठापटक कितनी कारगर साबित होती है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ तक।